भी ऐसी हो? मेरे घर आ रही हो? हेयर तो है? नहीं, ऐसी पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं आओ, अरे कैसी बात कर दी, आ जाओ। कब तक आओगी? ठीक है, हाँ आ जाओ। हाँ सब लोग घर ही पे होंगे। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। ये अचानक से मेरे घर आने का प्लान क्यों बना रही है? वो दिमागी है, ये सोच रही होगी आएंगे इनके घर, देखेंगे डोली कैसे रहती है, क्या करती है, सास नंदे उसके साथ क्या करती होंगी, और फिर सब में जाके बयान करेगी घर के हमारे राज। ठीक है आने दो, मुझे क्या करना हैगा। मम्मी इसका ऐसा हाल करेंगी ना, ख्वाबों में देखेंगी इसको, रात में डर डर के उठेगी। 6.5 hours later. अस्सलामुअलैकुम आंटी। आ बेटी। आ वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। दीदा बैठो। आ गई हो? बैठो। मैं कौन वक्तों से इंतजार कर रही हूँ उनके भैया कब आएंगी कब आएंगी। अच्छा हाँ, माशाल्लाह से मुझे तो तुम दुल्हन की शादी वाले दिन ही ऐसी अच्छी लगी थी, माशाल्लाह से मुझे तो बहुत हसीन बहुत खूबसूरत तुम, माशाल्लाह मुझे आदत खसलत की बहुत अच्छी लगी, अपने हंस मुंह अपने चंचल घूम रही थी, पूरी महफिल की निगाहें तुम पे थी माशाल्लाह से। अब मैं आपसे क्या कहूँ, इतनी पॉपुलर थी मैं, हर किसी को मेरी कंपनी अच्छी लगती थी, स्कूल हो कॉलेज हो, और ठीक है आप भी हर आदमी मेरे फेम हो जाता है। तुम बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ, आदत का खसलत का। मैंने तो इनसे कह भी था बाद में कि तुम्हारी शादी में वो कौन लोंडिया घूम रही थी, पर इन्होंने बताया कि तुम्हारा रिश्ता लगा। मैंने तो हमारी बहन को तुम बहुत पसंद आई थी, हमारी बहन का तो दिल आ गया था, मैं लोंडे की नहीं कह रही थी तुम्हें। रिश्ते रिश्ते का तो आप पूछिए मत, नहीं तो रोज रिश्ते आते हैं। मेरी मम्मी मना करती है कि भाई इसकी शादी होने वाली है, इसकी शादी होने वाली, लोग यकीन नहीं करते हैं। फिर मेरी मम्मी फोटो दिखाती हैं कि ये देखिए मंगनी हो गई है, तब कहीं जाके लोग जाते हैं घर से, वरना तो फिर चलो माशाल्लाह से जा नसीब लिखा वहाँ हो जाए अच्छी बात है। बबली मैंने तुमसे वो नहीं लिखवाया था गिफ्ट नाम नहीं जो किया था दोगी? नहीं जी, गिफ्ट अभी लेके आती हूँ। हाँ मैंने कहा था बाजी आएंगी तो उनको दियो, बबली को भी तुम बहुत अच्छी लगती होगी। जी बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे। जी मुझे भी बबली बहुत पसंद है, इतनी प्यारी तो है। खा खा, तुम्हारी नहीं तो मंगवाइए, बहुत मजे की होती है मिठाई। हाँ मेरी दुल्हन कह रही थी तुम्हें अच्छी लगती, तो मैंने कहा मंगवाओ फौरी मंगवाओ। जी जी खा रही हूँ मैं। अब ये सब खाइए ना, समोसे खाइए, समोसे बहुत अच्छे हैं, भेजनाथ के आगे मंगाएंगे, और मीठी चटनी भी लीजिएगा। हाँ तुम भी खा लो दुल्हन। हाँ भाभी खाओ ना। मैं खाऊं? हाँ और क्या, तुम खाओ, खाती पीती रहा करो। अरे बड़े बूढ़े क्या कहें, खाए पिए की जान होती है, खाए पिए की रौनक होती है। मैं तो दुल्हन से कहती हूँ भाई अच्छे से अच्छा खाओ, जैसे अच्छा पहनो, भाई खुश खुर्रम रहो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी बहू अपने खुश खुर्रम रहे। कमाल हो गया, अम्मी ने तो उल्टी गंगा बहा दी। मैं सोच रही थी उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो दोबारा कभी हमारे घर नहीं आगी। क्या हो गया माँ बेटियों को आज? अबले भी इतनी अच्छे से बात कर रही है, ख्याल कर रही है, दाल में कुछ काला हैगा कि बुरी की बुरी दाल ही काली है? चलो बाद में तो पता लग ही जाएगा, मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम्हारी तरह रहे अपने खुश मिजाज, बस ये चाहते हैं। Meanwhile, नहीं आंटी ये सब तो मैं नहीं ले सकती, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बेटी कुछ नहीं है ऐसा, ये तो भैया शगुन का लिफाफा है, और ये जोड़ा मैं तुमसे अपनी मोहब्बत से दे रही हूँ, मोहब्बत से दे रही हूँ, रख लो। शुक्रिया। हाँ बड़े बूढ़ों की दुआएं होती हैं, ये चीजें चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है आज के दौर में बच्ची। हाँ तुम लोग मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे आने की। मैं दुल्हन से पूछो मैं कब से कौन वक्तों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगी कब आएगी, तो ये कह रही थी आ रही है, निकल गई आ रही है, मैं सब कामों से निपट के नमाज पढ़ के सब क्या आएगी, तो भैया दो चार बातें कर लो। बिरयानी खा के जाना, खाना खा के जाना, बहुत अच्छी हमारी दुल्हन बिरयानी बनाती है। बिरयानी 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 का तो आज कोई सीन ही नहीं हैगा, और कहाँ तीदिया रुकेगी बिरयानी खाने, इसे तो जाना होगा ना अपने घर। जी आंटी मुझे देर हो रही है, वरना मैं ज़रूर रुकती।
वही मैं कह रही थी। 5 minutes later. मेरा रूम, चलो दिखाती हूँ। तुमने अपना कमरा बहुत सिंपल रखा है। ये करो कि इसको फूलों और नकली वाली फूल आते हैं उससे सजाओ, वहाँ पे फ्लावर पॉट रख दो, चादर बहुत अच्छी वाली लाओ, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी चादर का, ब्राइट कलर की लाओ, वो अच्छी लगती है आंखों को भी और दिमाग को भी। और ये तुमने सफेद क्यों पेंट कराया है गाय, इसको पीला कराओ, नया नीला कराओ या हरा करा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे हिसाब से सजाऊंगी। हाँ देखो एरिया जो दे उसको समझो और उसके हिसाब से करो, मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे बुला लिया करो, मैं सब समझा दूंगी तुम्हें। जब पेंट वाला है, जब ये तुम अपना रूम सही करो ना, तब मुझे बुलाना, फिर मैं एक से एक एरिया दूंगी। हाँ तुमने एरिया दिए हैं ना, अब कमरा तुम्हारे हिसाब से सजाऊंगी। वाह तुम्हारी लिपस्टिक तो बड़ी अच्छी हैगी। मैं ले लूं प्लीज, ये मेरी लिपस्टिक बहुत महंगी हैगी। दे दो ना भाभी उनको, इतने उससे मांग रही हैंगी, तुम्हारे पास तो बहुत हैंगी। A few moments later. चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे बिरयानी नहीं खिलाई तो, लेकिन एक बात सुन लो, अब अपनी सास की बुराई मत करना, बहुत अच्छी हैंगी वो, इतने प्यार से बात कर रही थी, तुम बेकार अपनी सास का हुआ बनाई हुई थी। और बबली वो बेचारी इतनी छोटी है, उसका ख्याल किया करो, उसको अपने साथ साथ रखा करो, हर किसी की बुराइयां करती रहती हो, सब इतने अच्छे हैं तुम्हारे, आज मैंने देखा। और अगर पहले बुरी भी थी तो अब तो सुधर गई, अब तुम भी सुधर जाओ। हाँ वक्त के साथ सब अच्छे हो जाते हैंगे, मैं भी खुद भी अच्छी हूँ ना, तो जैसी संगत वैसी रंगत। आपके ज्ञान का शुक्रिया, मैं आपकी बातें गौर करूंगी। अब आप चलने का देखिए, चलो जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। 5 minutes later. ओफ अल्लाह कितना बोलती है, लड़िया ने मेरे दिमाग का पानी पी लिया। ऐसा बोलती है उसके तात्वे को जबान नहीं लग रही थी, दिमाग चढ़ गई मेरा इतनी देर में। और मुझे नहीं अच्छी लगती लौंडियों के हंसी ठिठोले, हंस हंस के दीवानी हुई जा रही है हर बात पर, इतना बड़ा ठट्टा। अरे मैंने ये कह दिया कुछ मिजाज उसका मतलब ये थोड़ी कि दीवानी हो जाओ, होश में से निकल जाओ, ऐसे बड़ों के सामने हंसी हैं और ये ठिठोले बिल्कुल अच्छे ना। हमने तो कभी, हम तो जोर से आधना दूर की बात बड़ी सी आवाज़ में बात तक नहीं करते थे अपने बड़ों के सामने, ना मुस्कुराते थे खीखी खीखी दांत निकालना, कोई बात हो हंसने की भी हुई हल्का सा मुस्कुरा ली, इसका तो मैं देख रही थी। तोबा मान गए भाई, अम्मी को ये था कि मैं अम्मी की बुराई करती हूँ जगह जगह, अब ये आई है इसके सामने अम्मी इतने अच्छा बन गई कि अम्मी कहीं बुराई भी करूँगी तो ये जो है ना ये हर जगह गाती रहेगी, उनके साथ तो बहुत अच्छी हैंगी, बहुत अच्छे से बात करी। बताओ क्या इनकी माँ ने इनको खा के पैदा किया था, इतनी चलाक तो मैं भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो सीधी हूँ, चलाक की क्या होती है मुझे क्या पता आएगा, मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी भाई। ये होती है इमेज बिल्डिंग, ना मुझे ये सब आए ना मैंने किसी से सीखा, और इनको देखो चलाकी में मेरी भी बाप हो रही है, मतलब माँ मतलब बाप जो भी।